गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेट कर लेते हैं कुछ लोगों को, अभी 10 ही पीपल ज्वाइन किए हैं. जैसे अभी लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. फोर्थ यूनिट में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग देखें स्मार्ट होम, देखें होम ऑटोमेशन, स्मार्ट बिल्डिंग देखें और स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम देखें, तो जो भी IoT बेस्ड बहुत सा सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि स्मार्ट एग्रीकल्चर आपका, जिसमें कि हम लोग मॉइस्चर लेवल फाइंड आउट करके वहाँ वाटर सप्लाई करना है या नहीं करना है, या प्रॉपर वे से वाटर लेवल पूरा प्लांट में सभी जगह इक्वली वाटर लेवल रीच कर रहा है कि नहीं चल रहा है प्लॉट में, वो भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं. उसके साथ साथ वो जो लीफ का कंडीशन के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें मेडिसिन का जरूरत है या नहीं है अभी, क्योंकि आप देखेंगे कि जब उसमें कीट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीट्स लगता है तो लीफ सबसे पहले अटैक लीफ पर करता है, तो लीफ पर लीफ का कंडीशन मॉनिटर करके हम लोग वो भी कर सकते हैं. लेकिन ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा. तो ये सब चीज इस बेस से भी आप स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर सकते हैं. ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है आप लोगों का. जो यहाँ पर जैसे कि बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में बनाना का फार्मिंग होता है, तो बनाना का जो फार्मिंग होता है तो वहाँ भी उस पर भी प्रॉब्लम आता है, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि लीफ का कंडीशन से फाइंड आउट करते हैं लोग. तो एक ऑटोमेटिक रोबोट आपका मूव करेगा फार्म में, मतलब कि जो प्लॉट है जहाँ पर आपका फार्मिंग हो रहा है, और उस वहाँ से इमेज कैप्चर करके और इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसका 3D वर्ल्ड. मतलब कि जो आपका बनाना, आपका बनाना का ट्री एक्चुअल सही कंडीशन में है, तब आपका क्या लेवल है, मतलब कि जो ग्रीनेस्ट का जो लेवल है वो क्या है, उसका जब खराब होता है तो क्या, ये एक आपको फाइंड आउट करना होगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से या एग्रीकल्चर साइट से. तो वहां से आपको डेटा लेके आप उसको मॉनिटर करके कर सकते हो. तो उसी तरह आपका बहुत सा है, ट्रैफिक कंट्रोल है, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल आप देख सकते हैं. तो स्मार्ट अभी तक जो हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल देखते हैं, जनरल हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल है, कंट्रोल रूम जो वर्क करता है, वो सिंपल ऑन ऑफ कंट्रोलर है एक पर्टिकुलर सेकेंड के लिए, मतलब कि 30 सेकेंड या 60 सेकेंड या 90 सेकेंड के लिए वन साइड ऑन होता है, फिर सेकेंड अदर साइड अदर ऑल साइड ऑफ होता है, इस तरह से वे करता है. ये इस तरह से डिपेंड नहीं करता है कि हम लोग कंट्रोल सिस्टम में भी डिस्कस किए थे, इस तरह भी नहीं डिस्कस करता है कि जिधर से ज्यादा ट्रैफिक है उधर का ज्यादा आपको ऑटोमेटिकली टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो तो व्हीकल को क्लियर करने का, तो इस तरह वर्क नहीं करता है. तो उस तरह का भी आप IoT बेस्ड सोच सकते हैं, उसमें और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अब जो स्पीड ट्रैकिंग है, स्पीड जो व्हीकल अगर ज्यादा स्पीड से जा रहा है तो उसको ट्रैकिंग वगैरह सबका भी उसमें इम्प्लीमेंट करके आप स्मार्ट ट्रैफिक सोच सकते हैं. तो उसी तरह आपका स्मार्ट सिटी भी आप सोच सकते हैं. स्मार्ट सिटी मैं थोड़ा सा डिस्कस किया था लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है. तो स्मार्ट सिटी में क्या है, स्मार्ट सिटी का टोटल कंपोनेंट जो सिटीज के अंतर्गत विद इन द सिटी जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट बोलने का मतलब क्या, क्या क्या चीज रह सकता है एक सिटी के अंतर्गत. तो इस सिटी में देखिए, एक सिटी है तो उसके सराउंडिंग बहुत सारा चीज है, हेल्थ होगा, हेल्थ सिस्टम होगा, फिर आपका बिल्डिंग्स होगा, आपका होम होगा, आपका स्कूल होगा, आपका एग्रीकल्चर होगा, आपका ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होगा. तो ये जितना है इंडिविजुअल लेवल पर स्मार्ट होगा, जो कि हम IoT बेस से कर सकते हैं या किसी वे से भी, तो वो इंडिविजुअल लेवल पर स्मार्ट होगा. उसके बाद उसको इंटरकनेक्ट करके वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होगा, जिसको जहां जरूरत पड़ता है वो वहां से डेटा लेगा और एक पर्टिकुलर क्लाउड पे रहेगा. तो उससे आप IoT बेस आप स्मार्ट सिटी डेवलप कर सकते हैं. स्मार्ट सिटी डेवलप करने का मेन रीजन क्या है, स्मार्ट सिटी का नीड क्यों है, इसलिए क्योंकि डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं कि सिटी पर, मतलब कि अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है कि जो सिटी पर जो पॉपुलेशन लोड है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है. अगर उसको हम लोग स्मार्ट वे से मैनेज नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर वे से मैनेज नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा गंदगी सिटी में रहेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंट्रोल होगा, बहुत आपका जो
हॉस्पिटल पर है, आपके बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, फिर आपका सिक्योरिटी लेवल का प्रॉब्लम आएगा, तो बहुत ज़्यादा इशू होने क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप उस लेवल पर लोग जब अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो उस लेवल का आप पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकते हैं। अगर हम IoT सिक्योरिटी लेवल डेवलप कर लें सिटीज में, तो हम अपना वो पुलिस प्रोटेक्शन भी एक हाई लेवल पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है जिसके कारण, मतलब कि मेनी टाइम्स रीजन है जिसके कारण हम लोग का स्मार्ट के तरफ मूव करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन भी आपका स्मार्ट होगा जिसके कारण आप ज़्यादा वेट या मतलब कि स्मूथ वे से आपका सारा ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है, कुछ डिस्कस करना है तो पूछ सकते हैं। देखिए आज मैं एक आर्डिनो के थ्रू जो प्रोजेक्ट हब है उसको मैं लिंक पहले भी शेयर किया था, लेकिन आज भी एक मैं शेयर करूंगा। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। वो प्रोजेक्ट में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या मिलेगा, सब चीज तो आपको कनेक्टिविटी आप ये सब जानते हैं, लेकिन आपको कोड मिल सकता है। और वो कोड क्या हेल्प करेगा, कहाँ पर हेल्प करेगा कि आप छोटा छोटा पार्ट का आप कोड लेके आप एक बड़ा के लिए सोच सकते हो और बड़ा प्रोजेक्ट आप डेवलप कर सकते हो। तो वहां पर आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखिए अब है हमारे पास टॉपिक ठीक है। अब हमारे पास क्या है, लोकेशन ट्रैकिंग। लोकेशन ट्रैकिंग हम लोग का इसका जरूरत क्यों पड़ रहा है, इसका लोकेशन ट्रैकिंग का क्या नीड क्यों है, ये बताइए, कोई बता सकते हैं इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, इसका यूज कहां कर सकते हैं लोकेशन ट्रैकिंग। हेलो, इतने लोग हैं जी कुछ भी नहीं बता सकते लोकेशन ट्रैकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, कहां कहां यूज कर सकते हैं। अभिषेक जैसे एम्बुलेंस वगैरह का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं अपन, और एम्बुलेंस को बोलने का मतलब क्या है, एम्बुलेंस से भी हम पूरा व्हीकल का हम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, मतलब कि आपका व्हीकल थीफ होने से भी हम लोग उसका लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, वो सच में भी हो सकता है। फिर आप जनरली हम लोग का किडनैपिंग उडनैपिंग का प्रॉब्लम होता है बड़े शहरों में, तो हम अपने किड्स के साथ GSM दे के उसके रख के उसका लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसके साथ आपका बैग्स वगैरह जो भी है उसमें आप GSM रख के आप उसका ट्रैकिंग कर सकते हो, अगर वो खो गया या आपके साथ मतलब कि स्नैचिंग हो गया तो उसमें उसका लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो इसका यूज मेनली सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही यूज होता है, कि सिक्योरिटी पर्पस में आपको यूज कर सकते हैं। और इसमें देखिए इसमें जो सेंसर लगेगा क्या लगेगा, आपको बताइए सेंसर क्या हो सकता है, इसमें सेंसर लगेगा, अब किस टाइप का सेंसर लगेगा, क्या लगेगा बताइए, कोई भी। सर एक तो मतलब GPS जो होता है वो लगेगा, लोकेशन और लगेगा, कोई और।
रानी कुमारी रीता किसको लेट जा रहे हैं। और क्या लगेगा, एंटीना वगैरह लगेगा क्या, नहीं लगेगा? सर एंटीना नहीं लगता सर, उसमें बस एक ट्रैकर रहता सर छोटा सा। ठीक है, एंटीना कि नहीं लगेगा। देखिए एंटीना आप जब रियल टाइम करेंगे है ना, तो उसके साथ तो एंटीना रहेगा ही, जीपीएस के जो मॉड्यूल लीजिएगा तो वहां पर एंटीना आपको लेना ही पड़ेगा और जीएसएम। तो देखते हैं और किन्हीं को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है फर्स्ट तो आपको एक आर्डिनो यूनो, ये तो सब जगह रहेगा आर्डिनो यूनो। सेकेंड इज आपका जीएसएम सिम 800 900 मॉड्यूल। थर्ड एक नियो जीपीएस एसएम लगेगा और आप वायर वगैरह तो है ही, तो आपको यहाँ पर सेंसर का उतना जरूरत नहीं है। मतलब सेंसर के रूप में आपका ये जीएसएम ही यूज करेगा। जीएसएम जो सिम वो है वो जिसमें हम लोग सिम इंसर्ट करके हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक नोड एमसीयू भी लग सकता है, नोड एमसीयू यूज कर सकते हैं ये सब हमारा। और एक फिफ्थ डिस्प्ले करने के लिए एलसीडी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सब कंपोनेंट आपको ये लोकेशन ट्रैकिंग के लिए यूज करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है आपको जो इसको कनेक्शन जो करिएगा, तो कनेक्शन करने के बाद कनेक्शन कहाँ कहाँ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो जीपीएस पिन है, जीपीएस ही आपका जो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो जीपीएस को आर्डिनो से कनेक्ट कीजिएगा। तो जीएसएम जो है आपको जिस चीज को ट्रैकिंग करना है वहां इंसर्ट करना होगा। जीएसएम को आपको कहाँ इंसर्ट करना होगा, जिसमें आपको उस भी हाइड करके ये मॉड्यूल को आपको इंसर्ट करना होगा, जहां पर कि जिसको ट्रैक करना है, ऑलवेज आपको ट्रैक करना है। और स्टेप वन है आपको जीपीएस का ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पिन, आपको आर्डिनो का D3 एंड D4 पिन से कनेक्ट करना है। D4 से कनेक्ट करना है उसके बाद आपके इसके बीच का जो इंटरफेसिंग जो है कोडिंग, आपको आईडी प्लेटफॉर्म से उसको इंटरफेस करवाना है। उसके बाद आप जो है एलसीडी कनेक्ट कीजिए जो आर्डिनो से उसका इंटरफेसिंग। उसके बाद आपको फिर जो जीएसएम का है, देखिए ये जीएसएम का है, जीएसएम का कोडिंग आपके साथ आर्डिनो के साथ ये आपको राइट अप करना होगा। ये सब चीज आपको मिल जाएगा। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आपका ये जो लोकेशन है वो ट्रैक होने लगेगा। लेकिन जब आप रियल टाइम की बात करेंगे, तो आपको जो पूरा लोकेशन एग्जैक्ट, उसके लिए आपको जो प्लेटफॉर्म यूज करना होगा क्लाउड के लिए, तो वहां पर थिंग स्पेक्स लिख सकते हैं। और जब हमको मतलब कि जैसे कि हम लोग जीपीएस लोकेशन आप जो गूगल में मैप में देखते हैं, इस तरह करके हमको चेक कर, हम लोग उसको उस तरह का अगर हम लोग को डेवलप करना है जीपीएस, पूरा लोकेशन पूरा दिखे, मैसेज, एक तो मैसेज प्लेटफॉर्म डेली यूज कर सकते हैं कि एक मैसेज आते रहे कि कहाँ जहाँ पर है, और एक है कि आप पूरा एग्जैक्ट लोकेशन जीपीएस का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वेब पेज डेवलप करना होगा HTTP प्लेटफॉर्म हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल के थ्रू, और नहीं तो इसका सर्विस प्रोवाइडर है
जो कि अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट और ये सबसे सब्सक्रिप्शन आपको लेके इसको डेवलप करना होगा, जिसके लिए जावास्क्रिप्ट और वगैरह कोडिंग करना है। तो ये रियल टाइम में मॉनिटर होते जाएगा, लेकिन ये जो कोडिंग है आपको भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल सकता है। तो इसके लिए वो प्रोजेक्ट के लिए रूप में, लेकिन जब आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको ये 3-4 कंपोनेंट जरूरत है। जीपीएस सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए, जीएसएम इनसाइट आपको जिसको ट्रैक करना है उसमें इंसर्ट करने के लिए, और उसके बाद नोड एमसीयू आपको वाईफाई प्रोवाइड करने के लिए, और ये सब चीज को एक आर्डिनो जो प्लेटफॉर्म है, आर्डिनो का जो कोडिंग का प्लेटफॉर्म है, वहां पर एक दूसरे से इंटरफेस करना होगा। उसके बाद आपका ये वर्क करना स्टार्ट होगा। वेटिंग रूम में सर क्या चाहिए? तो वेटिंग रूम में सर कुछ लोग हैं सर। अच्छा, बस इसमें लोकेशन ट्रैकिंग में और कुछ ज्यादा है नहीं जी, तो यही है। और इसको मतलब कि रियल टाइम में लोग जो करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग का ज्यादा है, तो उसको देख सकते हैं, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आपका जो फोर्थ यूनिट है ना, फोर्थ यूनिट कंप्लीट है, इसमें कुछ अब है नहीं। जहां पर सेंसर की बात आएगा, मतलब कि बहुत सा कंपोनेंट को इंटरफेस करना था, जहां डिवाइसेस को स्मार्ट बनाना था, तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट आपको सेंसर के बारे में लिखना है कि ये सेंसर यूज होगा, और मेन है कि एडवांटेज क्या है। जैसे कि आपको लोकेशन ट्रैकिंग मेन सिक्योरिटी के लिए पर्पस के लिए यूज हो रहा है, सिक्योरिटी आपका बेनिफिट होगा, और आप कोई भी चीज खो जाता है उसको ट्रैक कर सकते हो जी, आप सेफ्टी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन आप जो और द स्मार्ट बिल्डिंग था, और चाहे स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम था, तो स्मार्ट बिल्डिंग की बात कर सकते हैं या स्मार्ट होम के, वहां पर एक टर्म और आ जाता है एनर्जी सेविंग, वहां पर एनर्जी सेविंग आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी सेविंग का ऐसा कोई टर्म नहीं है, यहाँ पर यूज नहीं है आपको ये। हाँ, यहाँ पर एक और बैटरी का यूज होगा जी, बैटरी मतलब कि जो आर्डिनो जो पावर देना है उसी के लिए, से कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज लेके आप कंपोनेंट, आपको पहले आपको लिखना है कि उसका नीड क्या है, उसका सिर्फ बेनिफिट क्या होगा, उसके बाद क्या क्या चीज को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो जो सेंसर यूज करना है उसके बारे में लिख सकते हैं कि ये सेंसर हम लोग यूज कर सकते हैं सिस्टमेटिक वे से। बस यही आपका है, ये ज्यादा लंबा सिलेबस भी नहीं था, फोर्थ यूनिट आपका फोर्थ यूनिट कम्प्लीट हो गया। यहाँ पर और कुछ डॉट है डिस्कस करना है तो पूछ सकते हैं। मैं स्मार्ट हब जो है, जो मतलब कि स्मार्ट हब बोल रहा हूँ, कि प्रोजेक्ट हब जो है आर्डिनो का, जो वो रियल टाइम में नहीं है प्रोजेक्ट किया हुआ है, कुछ कुछ डिफरेंट रियल टाइम का भी प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर जो है आपको कोडिंग मिल जाएगा। तो वहाँ से आप कोडिंग लेके आप टिंकर कैड में भी कुछ कुछ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो उसका थिंक स्पेक्स में या क्लॉड में देखने का नहीं है। नेक्स्ट लाइन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आप लोग को दिखाऊँ, तो नेक्स्ट लाइन में उसको दिखा दूंगा। और इसमें तो और कुछ है नहीं, यहां तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। ठीक है, तो ये तो आईओटी का तो चल ही रहा है, एज वेल एज हम मतलब कि ये सिग्नल सिस्टम का, या सिग्नल सिस्टम से अभी मैं स्टार्ट किया हूँ गेट के लिए, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। गेट के लिए मतलब कि जो प्रीवियस ईयर का 10-10 क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, तो उससे आपको वो सब आप लोग देख सकते हैं कि उससे क्या होगा कि आपका जो है ना सिलेबस भी रिवीजन होगा, और टैकल कैसे करते हैं क्वेश्चन को वो भी हो सकता है, और उसको हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मतलब उसको उससे लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप क्वेश्चन लीजिए खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद अगर नहीं सॉल्व होता है तब आप उसको वीडियो को ऑन करके आप सॉल्यूशन देखिए। पहले आप क्वेश्चन लीजिए, उसको खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, तब वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए, अदरवाइज आपको बेनिफिशियल नहीं होगा। आप सॉल्यूशन देखते चले जाओगे तो बेनिफिशियल नहीं होगा। इसी तरह मैं और भी सब्जेक्ट का उसमें अपलोड करूंगा, अगर जो भी गेट का तैयारी कर रहे हैं तो उससे हेल्प ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको मतलब कि जबरदस्ती लेना ही है। अगर गेट का नहीं मन है तो आप छोड़ भी सकते, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कम है, उसके बाद मैथ्स का मैं करूंगा, फिर और भी सब्जेक्ट का धीरे धीरे इनको ऐड करते जाएंगे, तो वहां से भी आप वो सब चीज देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट जो यूनिट है मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ भी इसमें
इसमें जो हम लोग प्रोटोकॉल के लिए बात करते थे ना, वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, जेडवे, इसमें कनेक्टिविटी डिवाइस के लिए यहाँ पर आपको जीपीएस यूज कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पर वो जिगबी या ब्लूटूथ इस सब का यूज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। आज का यहीं तक रहने देते हैं। किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अफगान खान आ रहे हैं, किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। जो किसी भी टॉपिक से, मतलब कि इसमें से आईओटी से रिलेटेड